तो हम इस्लामाबाद की तरफ ट्रैवल करेंगे और वहाँ पे सबसे डिफिकल्ट ट्रैक 3 उस पे हम चढ़ेंगे। तो फिर तोता मैना कर ले तोता मैना हो जाए जी। चलो, ये ट्रेल 3 की पार्किंग है और इससे टॉप का स्ट्रेट लाइन में अगर फासला हो तो वो 2 किलोमीटर होगा, और जबकि ट्रैक इटसेल्फ 5 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा है। ट्रेल की टॉप से 600 मीटर लेफ्ट नीचे की तरफ मोनाल रेस्टोरेंट है। सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा स्टार्ट हो गया, लेकिन रास्ते में एक्सीडेंट होते होते रह गया। ये बंदा लाहौर मोटरवे टॉल के पास एक वैगनॉर को अपनी समझकर अपने नीचे देने लगा था। ये पैदल क्रॉसिंग की जगह नहीं है, वैसे आप लोग भी एहतियात किया करें यहाँ पे गाड़ियाँ क्रॉस करते वक्त। कुछ सेकंड्स और दें इस वीडियो को, कुदरती मनाज़िर बहुत प्यारे थे। आप समझेंगे वीडियो के लिए टाइम मांग रहा है, मांगने नहीं आया, मजबूरी है। आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। टेंशन ना लें जी, पहुंच गए हैं बस। ये मार्गला हिल्स में ट्रेल 3 की खूबसूरत पार्किंग है और यहाँ पे गाड़ियों की जगह बहुत सफिशिएंट है। This is a special kind of journey which we will be taking through. कसम वाली गल है, राती असी सुते हैं, सुबह 6 बजे नाश्ता किया है, इत्थे 8 बजे असी ट्रैल 3 ते पहुंचे हैं। बारिश बहुत ज्यादा हो गई थी, हो सकता है ट्रैक बहुत ज्यादा स्लिपरी हो। जो बाकी लोग हैं अगर वो करने आते हैं ट्रैक, उनको चाहिए कि वो ये चेक करें कि वेदर कैसा है आने से पहले। हाँ जी, ट्रैल 3 का सफर करते हैं। चलो जी, ये ट्रेल 3 की पहली स्टीप चढ़ाई है, इसे देखकर हमारी किसी से अक्सर लोग वापस आ जाया करते हैं, जैसे ये कपल वापसी के सफर पे कमर बसता है। पहली चढ़ाई तो हम वनगो में चढ़ गए, मगर आगे आने वाली चढ़ाइयों ने हमें बताया, रुको जरा, सबर करो। इस वीडियो के एंड पे फनी ब्लूपर्स भी हैं। अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं तो वीडियो एंड तक देखें। ये वीडियो में जो जवानों की तरह परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, ये आर्मी के रिटायर्ड कर्नल हैं। एक दोस्त को पता नहीं क्या सूझी, इन्हें मोटिवेट करना चाहा, वो उल्टा इन्हें मोटिवेट करके चले गए। जबरदस्त अंकल, कंटिन्यू रखे माशाल्लाह। मैं तो कंटिन्यू रखूंगा, आप लोग भी चलें। काम बढ़ गया कि जारी है? प्रोग्राम मिडवे मर गया, चढ़ते हैं और। चलो जी जी, ये ट्रेल 3 का नॉर्मल ट्रैक है और ये फायर लाइन से आसान है, बट बहुत ज्यादा आसान नहीं। अगर आप फैमिली के साथ एडवेंचर करना चाहते हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि ये ट्रैक यूज़ करें। और मैं शॉर्ट ही से कहता हूं कि इस्लामाबाद में इससे ज़्यादा खूबसूरत जगह नहीं है। और लाजमी एहतियात रखें कि आने से पहले शूज़ आप ट्रैकिंग वाले ही लेकर आएं, मेरी तरह जॉगिंग वाले नहीं, वरना इसके आउटसोल में डर्ट फंस जाएगी और स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ये फायर ट्रैक है और यहाँ पे ये जो बाबा जी आपको नजर आ रहे हैं, ये वही आर्मी वाले हैं। इनसे आपको सबसे बड़ी लर्निंग ये मिलेगी कि अगर जवानी में एक्सरसाइज के साथ कनेक्ट रहेंगे तो बुढ़ापे में इस तरह के ट्रेल्स आपके लिए इजी होंगे। इस पत्थर से गुजरकर हमारा ट्रैक 3 का सफर आखिरकार इख्तिताम को पहुंचा। तो हम ट्रेल 3 के टॉप पर हैं इस टाइम। हमने सुबह आपको कहा था कि हम रवाना हो गए, तो कैसा लगा ये ट्रेल 3? क्योंकि कहते हैं ये सबसे मुश्किल ट्रेल है इन सारे ट्रेलों में, 4-5 ट्रेल 3 के। हाँ, बेसिकली दो रास्ते हैं, एक इजी वाला है, ज़िगज़ैग वाला है, और जो दूसरा है वो है थोड़ा सा टफ। तो हमने जो है ना टफ वाला रास्ता सुना, फायर ट्रेल था वो, उसको आप फायर ट्रेल कह सकते हैं। सफाई के लिहाज से मैंने देखा कि बड़ा, हाँ सफाई बहुत अच्छी थी, लोग कम आते हैं इसलिए मैं भी ये सफाई अच्छी हो, लोग यहाँ पे पढ़े लिखे लोग आते हैं। अब हम आपको ना बताएंगे कि ये टॉप है, अभी हम आपको कैमरे की आंख से दिखाएंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो निशानी है ट्रेल 3 की। हम आपको मोनाल भी दिखाएंगे, मोनाल हमारे बगल में, हमारे राइट साइड पे, आप देखेंगे उसको। इट्स फन टाइम नाउ। हाँ भाई, तोता मैना हो गई है, तोता मैना हो गई है। तो फिर लाहौर चले शेरा? ना ना ना, मोनाल देखना है, मोनाल देखना है शेरा, मोनाल देख। चलो शेरे को आज उठाते हैं, आज ब्लूपर्स सम वाली गल है। राती सुते उठे हैं पठाना। हाँ भाई, तोता मैना हो गई है। हो गई है जी, हो गई है, दिखा दें फिर निशानियाँ। बहुत ठंडी हवा चल रही है, परिंदे चहचहा रहे हैं, वो शायद हमें हमारा इस्तकबाल के लिए यहाँ पर आए हुए। ये हमारे गाइड है हमारे साथ, बोलें आवाज आ जाएगी।